हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से कलर्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख यानी किसी भी महीने की ये पर्टिकुलर तारीख को हुए हैं, सो आपके जो लकी कलर है जिनको आपको ज़्यादा पहनना चाहिए, जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, वो है ऑरेंज, येल्लो, गोल्डन एंड पिंक। लेकिन प्लीज़ आपने जो 100% अवॉइड करना है वो है कलर रेड। जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं, उन लोगों को वाइट कलर, सिल्वर कलर और ऑरेंज कलर हमेशा बेनिफिट रिजल्ट देगा। सो ये कलर आपको ज्यादा पहनने हैं एंड आपको कोशिश करना है 100% ब्लैक को अवॉइड करना है। भले आपको कितना भी पसंद हो लेकिन आपको 100% ब्लैक को अवॉइड करना है। अभी हम बात करेंगे 3 नंबर वालों की। सो जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को और 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लकी कलर हैं येलो, गोल्डन और ऑरेंज। ये तीनों कलर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको हमेशा इनसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड जो कलर आपको परमानेंटली अपनी लाइफ से डिलीट करना है वो है रेड कलर और ब्लैक कलर, ये दोनों आपको अवॉइड करने हैं। अब जो लोग 4 तारीख को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं यानी 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को, उन लोगों का जो लकी कलर है वो है ब्लू एंड पर्पल। लेकिन आप लोगों को जो अपने लाइफ से परमानेंटली अवॉइड करने हैं वो है कलर ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक और ब्राउन आप किसी भी फॉर्म में यूज नहीं कीजिए क्योंकि ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, आपके लकी कलर है ब्लू एंड पर्पल। सो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो 5 तारीख को पैदा हुए हैं यानी वो लोग जो किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों का लकी कलर है ग्रीन, ऑरेंज और एमरल्ड। इनको ये बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट देंगे ये पर्टिकुलर कलर। एंड जो कलर इन लोगों को परमानेंटली अवॉइड करना है वो है कलर ब्राउन। कलर ब्राउन इनके लिए अच्छा नहीं है। अभी वो लोग जो किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों का लकी कलर है गोल्डन, ऑरेंज एंड ब्लू कलर में जो लाइटर शेड है वो सारे लाइटर शेड ऑफ ब्लू उनका लकी कलर है। एंड जो कलर उनको अवॉइड करना है वो है ब्लैक एंड ब्राउन। अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर वाले कौन होते हैं? जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लकी कलर है पर्पल एंड ग्रे। एंड इन लोगों का ऐसा कोई भी एंटी कलर नहीं है, बट किसी भी कलर का डार्कर साइड ऑफ शेड इनको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश कीजिए जितना कम पहने आप डार्कर साइड ऑफ एनी कलर, फिर भले वो ब्लैक हो, डार्क ब्लू हो, डार्क ग्रीन हो, कोई भी डार्कर शेड आपको अवॉइड करने हैं। लाइटर शेड आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको हमेशा बेनिफिटेड रिजल्ट देंगे। एंड पर्पल एंड ग्रे आपके लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करेंगे। अभी जो लोग किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों का जो लकी कलर है वो है ग्रे, वाइट एंड ग्रीन। ये उनको हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड उनको जो कलर अवॉइड करना है वो है उन लोगों का फेवरेट कलर, विच इज कलर ब्लैक। हाँ जी, जो 8 नंबर के हैं उनको कलर ब्लैक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ के स्ट्रगल थोड़े कम हो जाए तो। अभी जो लोग किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका जो लकी कलर है वो है पिंक, महरून। ये दोनों कलर इनके लिए बहुत अच्छे हैं एंड ऑरेंज शेड भी इनके लिए अच्छा है, बट जिस कलर को इनको हमेशा अवॉइड करना है वो है कलर रेड। आप देखिए जो आपके लकी कलर है उनको लाइफ में आप एक्सेप्ट कीजिए, उस कलर के कपड़े, जूड़ी, सारी चीजें, आपके शूज, कोशिश करिए आप उन्हीं कलर में पहनिए, आपकी लाइफ के डिफरेंसेस आपको दिख जाएंगे पॉजिटिव सेंस में। एंड जो आपके नेगेटिव कलर है जिनको मैंने अवॉइड करने को बोला है, उन कलर्स को जैसे ही आप अवॉइड करेंगे आप देखेंगे थोड़े टाइम में आपके लाइफ के स्ट्रगल्स कम हो जाएंगी। प्लीज डू ट्राई दिस एंड जो आपके लकी कलर है ट्राई टू वियर दोज कलर मोर एंड मोर। थैंक यू एवरीवन।